एसेंशियल ट्रेमर्स वो स्थिति है जिसकी जल्दी डायग्नोसिस ही नहीं बन पाती, यही इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत पड़ी साथियों। नॉर्मली हम लोग एसेंशियल ट्रेमर्स या जो कंपन होती है इसको पार्किंसंस, अल्जाइमर्स, पैरालिसिस सब के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। आज यह वीडियो ख़त्म होते होते हम समझते हैं कि आपको एसेंशियल ट्रेमर्स का होम्योपैथिक निदान ज्ञान के रूप में मिल जाएगा और आपका यह जो कन्फ्यूजन है कि हमको ट्रेमर्स है, एसेंशियल ट्रेमर्स है कि पार्किंसंस है कि अल्जाइमर्स है, वह भी दूर हो चुका होगा। देखें यह एक वीडियो जो एक रेयर बीमारी म्यूटेशन की जीन का विषय की बीमारी का वीडियो है, लेकिन आजकल यह बहुत कॉमन है। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे एसेंशियल ट्रेमर्स के विषय में। एसेंशियल ट्रेमर्स एक अब आज का जो मॉडर्न समाज है इसमें एक बहुत ही कॉमन कंडीशन होती जा रही है और इस मर्ज की क्लैरिटी ना होने के कारण, विषय में क्लैरिटी ना होने के कारण काफ़ी मरीज परेशान रहते हैं। एसेंशियल ट्रेमर को लोग कंफ्यूज करते हैं पार्किंसन से, लोग कंफ्यूज करते हैं अल्जाइमर से, लोग कंफ्यूज करते हैं पैरालिसिस से। तो हम आपको एसेंशियल ट्रेमर्स के विषय में आज बात करना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं वीडियो ख़त्म होते होते आपके मन में क्लियर होगा कि अगर आपके हाथ कांप रहे हैं तो यह एसेंशियल ट्रेमर है कि नहीं। एसेंशियल ट्रेमर के विषय में यह जो भ्रांतियाँ हैं यही इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद है। साथ में हम आपको उसकी होम्योपैथिक दवाएं बताएंगे। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं एसेंशियल ट्रेमर्स होते क्या है। एसेंशियल ट्रेमर साथियों एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है जो कि नर्व्स के कारण होती है और इसमें आपके हाथ में ट्रेमर्स आता है। यह रिदमिक होती है। समझने वाली बातें यहाँ पर हैं क्योंकि आपको और बीमारियों से फ़र्क करेंगी। एसेंशियल ट्रेमर्स रिदमिक होते हैं। नॉर्मली ये हाथों से शुरू होते हैं। हाथों से शुरू होते होते ये आपके शरीर के अन्य भागों में भी, अपर एक्सट्रीमिटीज में खासतौर से, यानी कि हेड और हैंड में नॉर्मली ये रहते हैं। इनकी खास बात साथियों ये है एसेंशियल ट्रेमर्स की कि जब आप हाथों का यूज़ करते हैं तभी हाथ कांपते हैं। मतलब आप कुछ लिख रहे हैं, आप चाय पी रहे हैं, आप कोई सामान उठा रहे हैं, जब आप ये एक्टिविटीज़ करते हैं उसी समय आपके हाथ कांपते हैं। यह होते हैं एसेंशियल ट्रेमर्स। इसके सिम्टम्स की बात कर लेते हैं साथियों। सिम्टम्स एसेंशियल ट्रेमर के सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम यही है कि आपके हाथ जब साइड में आते हैं तो वो ठीक रहते हैं और जब आप उससे कुछ उठाते हैं, चाय का कप उठाते हैं, तो वो कांपने लगते हैं और आपका जो सर है वह यस यस नो नो में रहता है। यूं यूं भी कांपते हैं जब आपसे कोई, और यूं यूं भी ट्रेमर्स हिलते हैं, सर हिलता है। तो ये जो यस यस और नो नो वाली कंडीशन में सर अगर हिल रहा है और आपके हाथ उस समय काट रहे हैं जब आप कुछ उठा रहे हैं, तभी यही इसके सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। यह ग्रेजुअल कंडीशन होती है, तुरंत डेवलप नहीं होती, बहुत धीमे धीमे होती है। बात कर लेते हैं एसेंशियल ट्रेमर्स के कारणों की। एसेंशियल ट्रेमर्स के कारण आज तक अननोन है, लेकिन 80% ये जेनेटिक म्यूटेशन से होता है जिसको कि फेमिलियल ट्रेमर्स कहते हैं। इसके अलावा एंजाइटी होने से, स्ट्रेस होने से, हाइपरथायरॉइडिज्म होने से, पार्किंसंस होने से, घबराहट होने से, वीकनेस, फटीग या कोई बहुत क्रॉनिक इलनेस होने के बाद भी आपके यहाँ एसेंशियल ट्रेमर्स आ सकते हैं। अब विषय आता है कि एसेंशियल ट्रेमर्स जो है वह पार्किंसन डिजीज के साथ नॉर्मली कन्फ्यूज होते हैं। तो तीन ऐसी बातें हैं जो आपको एसेंशियल ट्रेमर्स को पार्किंसन से डिफ्रेंशिएट कर देंगी। पहली बात आती है टाइमिंग ऑफ ट्रेमर्स। एसेंशियल ट्रेमर्स में जब आप हाथ को फंक्शन में लाते हैं, किसी काम में लाते हैं, उसी समय उसमें ट्रेमर्स आते हैं। जब आप फ़र्ज कीजिए चाय का कप उठाते हैं तो ट्रेमर्स आते हैं। और पार्किंसंस में जब आप हाथ को रेस्ट पे रखते हैं, आराम पे रखते हैं, उस समय आपके ट्रेमर्स आते हैं। दूसरी पॉइंट आता है एसोसिएटेड कंडीशंस। एसेंशियल ट्रेमर्स के साथ
नॉर्मली और कंडीशंस एसोसिएट नहीं होती हैं। और पार्किंसन डिजीज में आपका जो चलना है वही गड़बड़ हो जाता, आपका पैर सही जगह नहीं पड़ता, आप सीधे खड़े नहीं हो पाते और इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। तो एसेंशियल ट्रेमर्स जो है एसोसिएटेड सिम्टम्स एसेंशियल ट्रेमर में ज़्यादा नहीं होते हैं। और तीसरी चीज़ होती है पोजिशन। एसेंशियल ट्रेमर्स आपके हाथों में, आपकी गर्दन में और आपकी वॉइस में नॉर्मली आते हैं, और पार्किंसंस आपके पैर से लेके पूरे बॉडी को इफेक्ट कर देता है। तो यह तीन सिम्टम है जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एसेंशियल ट्रेमर और पार्किंसंस में। अब विषय आता है एसेंशियल ट्रेमर्स हो गया है तो क्या करा जाए। एसेंशियल ट्रेमर्स हो गया है तो होम्योपैथिक दवा करी जाए। आज हम बताएंगे आपको कारगर होम्योपैथिक दवाएं। दवाएं बताने से पहले साथियों आपसे निवेदन करेंगे, इन दवाओं को आप जानकारी मात्र के रूप में ही ग्रहण कीजिए, क्योंकि यह सब न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस खतरनाक कंडीशंस होती हैं। इसमें आपको कुशल चिकित्सक का ऑब्जर्वेशन, उसकी डायग्नोसिस और उसका प्रेस्क्रिप्शन तीनों की आवश्यकता होनी चाहिए। तो कोई भी दवा लें तो कुशल चिकित्सक से पूछ के ही लें। चलते हैं साथियों सफर पे, जिस पे आपको बताते हैं एसेंशियल ट्रेमर्स को खत्म करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। साथियों नंबर एक दवा जो होम्योपैथी में एसेंशियल ट्रेमर्स को ठीक करने की है वह है एगेरिकस मस्केरियस। एगेरिकस मस्केरियस बहुत कारगर दवा है। जब आपके वॉइस में, आपके हाथ में, आपके हेड में कहीं भी ट्रेमर हो रहे हों, खास तौर से जब आप लिखते हों तो आपके ट्रेमर्स बढ़ते हों, आप बोलते हों तो भी आपके ट्रेमर्स बढ़ते हों, और जब आप चलते हों तो आपके हेड में ट्रेमर्स बढ़ते हों, तो अगर आपके ट्रेमर्स बढ़ रहे हैं तो आपकी नंबर एक दवा इसमें एगेरिकस मस्केरियस है। आप एगेरिकस मस्केरियस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह आपके तीनों जो मोस्ट इफेक्टेड पॉइंट्स होते हैं बॉडी के एसेंशियल ट्रेमर में, उन तीनों पे वर्क करके आपको लाभ देगा। एक स्थिति साथियों एसेंशियल ट्रेमर्स में आती है कि आपके ट्रेमलिंग हो रही हो, साथ में आपके एक्सट्रीमिटीज में पेन हो रहा हो। तो अगर यह स्थिति हो कि ट्रेमलिंग के साथ दर्द भी आपको हो रहा हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है रस टॉक्सिकोडेंड्रॉन। आप रस टॉक्स 1 mg पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके मस्कुलर पेन को भी ख़त्म करेगी और आपके एसेंशियल ट्रेमर्स को भी ख़त्म करने में मदद करेगी। एक स्थिति साथी हो आती है आपको एसेंशियल ट्रेमर्स हो और आपके मसल में बहुत वीकनेस हो गई हो, तो अगर आपके मसल्स में बहुत वीकनेस है और आपको एसेंशियल ट्रेमर्स हैं तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है जैल्सीमियम सेमीपरवाइनम। आप जैल्सीमियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके ट्रेमर्स को भी रोकेगी, आप मसल की वीकनेस को भी ख़त्म करेगी और आपके एसेंशियल ट्रेमर्स को भी ठीक करेगी। जैल्सीमियम साथियों इसका सिम्टम्स जो होते हैं, एक तो मरीज को प्यास नहीं लगती है और इसमें डलनेस, ट्रिजीनेस, ड्राउजीनेस और वीकनेस, ये चारों बातें होती हैं। अगर यह आप में है तो जैल्सीमियम सेमीपरवाइनम आपकी दवा है। इसको आप 30 पावर में लेके अपना जो शेकिंग ऑफ हैंड है, जब आप कुछ भी पकड़ते हैं उस बात को खत्म कर सकते हैं। एक सिम्टम साथियों आता है होम्योपैथी में एसेंशियल ट्रेमर्स में, बल्कि कि आप जब नॉइस बहुत ज़्यादा शोर सुन लेते हैं तो आपके ट्रेमर्स आने लगते हैं और बहुत नर्व की वीकनेस होती है। तो अगर यह स्थिति है कि आपके नर्व वीकनेस बहुत ज़्यादा है और आप जब नॉइजेस शोर सुनते हैं तो आपके हाथ कांपने लगते हैं, उस स्थिति में एसेंशियल ट्रेमर्स को ठीक करने की बहुत कारगर दवा है होम्योपैथी में, और वह है जिनकम मिटैलिकम। आप जिनकम मेट 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपको लाभ देगी, आपके एसेंशियल ट्रेमर्स को ख़त्म करेगी और आपकी नर्व वीकनेस को ख़त्म करके आपको लिखने के काबिल बढ़िया से बनाएगी। बहुत कारगर दवा है ये वीकनेस के लिए, नर्व्स की। एक स्थिति साथियों आती है कि आपने थोड़ा सा एक्सर्शन करा, जिस समय आपको मेहनत ज़्यादा पड़ गई फिजिकल, और उसके बाद आपके हाथ कांपने लगे कुछ भी सामान उठाने पे। तो अगर एसेंशियल ट्रेमर्स की वह कंडीशन बने जब आप एक्सर्शन के बाद आपके हाथ में ट्रेमर्स आने लगे, तो उन एसेंशियल ट्रेमर्स को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है फॉस्फोरस। आप फॉस्फोरस 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं। यह दवा आपको लाभ देगी। फॉस्फोरस साथियों बहुत अच्छी दवा है हेयर फॉल की। फॉस्फोरस उन सारी कंडीशंस की बहुत अच्छी दवा है जब मरीज को शाम के वक्त तकलीफें बढ़ती हों,
और मरीज को अंदर शरीर में जलन होती हो और मरीज को ठंडी चीज़ें खाना बहुत पसंद हो और बहुत वीकनेस हो, उन सारे सिम्टम्स के लिए फास्फोरस बहुत अच्छी दवा है। एक स्थिति साथियों आती है सीजर ट्रेमर्स के केस में कि मरीज को सर्दी बहुत लगती हो, मरीज के पसीने से बदबू बहुत आती हो और कुछ भी वो थोड़ा सा काम कर लेते हों तो उनके हाथ पैर कांपने लगते हों। तो अगर यह तीन सिम्टम आपके साथ हैं तो आपके लिए साइलिसिया से बेहतर दवा नहीं हो सकती। आप साइलिसिया 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं। यह दवा आपके एसेंशियल ट्रेमर्स को ख़त्म करेगी उस स्थिति में जब आपको सर्दी बहुत लगती हो, आपके थोड़े एग्जर्सन से हाथ पैर कांपते हों और आपके पसीने में बहुत बदबू हो, जो पैर और तलवे से पसीना बहुत ज़्यादा आता हो, पाम से और फुट के सोल से पसीना बहुत ज़्यादा आता हो, तो यह बहुत कारगर दवा है, आपको लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है कि चिंता करने से आपके हाथ पैर बहुत कांपते हों। तो अगर आप में बहुत ज़्यादा वरीज हों, आप बहुत चिंता करते हों और आपके हाथ पैर कांपते हों, तो उस स्थिति में ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है प्लम्बम मेटालिकम। आप प्लम्बम में 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं। यह आपकी चिंताओं के कारण पड़ने वाले हाथ पैर की कंपन को ठीक करके आपको लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है कि आपको डर से हाथ पैर कांपने लगे हों। तो अगर यह स्थिति आए कि आपको डर और घबराहट से हाथ पैर कांपने लगते हों, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवाएं हैं दो। पहली दवा है एकोनाइट और दूसरी दवा है जलसीमियम। आपको बहुत ज़्यादा डर लगता हो तो एकोनाइट नेप्लस सबसे अच्छी दवा है। इसको 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार आप ले सकते हैं। अगर आपको डर और कमजोरी दोनों लगते हों, बहुत अच्छी दवा है, आप 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार लेकर स्वास्थ्य लाभ एसेंशियल ट्रेमर्स के केस में प्राप्त कर सकते हैं। एक स्थिति साथियों आती है कि आपके एसेंशियल ट्रेमर्स भी हों और आपका पूरे शरीर में आपको सुनपन महसूस हो रहा हो। तो अगर यह स्थिति हो कि आपको पूरे शरीर में सुनपन महसूस हो रहा हो, तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है हेलोडर्मा। आप हेलोडर्मा 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं। यह आपके शरीर के सुनपन को ख़त्म करेगी और आपको स्वास्थ्य लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है कि आपके सर में बहुत दर्द होता हो, सर में बहुत दर्द होता हो, चेहरा बिल्कुल लाल, आंखें लाल हो जाती हों और आपके ट्रेमर्स हों, तो अगर हेडेक के साथ आपको एसेंशियल ट्रेमर्स हैं तो उस स्थिति में एसेंशियल ट्रेमर्स और हेडेक दोनों को ठीक करने की बहुत कारगर दवा है बेलेडोना। आप बेलेडोना 200 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं। यह दवा आपके हेडेक को भी ख़त्म करेगी, आपके आँखों या चेहरे के लालीपन को भी ख़त्म करेगी और एसेंशियल ट्रेमर्स को भी ठीक करेगी। एक स्थिति साथियों आती है एसेंशियल ट्रेमर्स के केस में कि आपके हाथ सुन्न हो जाते हैं। जैसे ही आप कोई काम करने को चलते हैं, आपके हैंड्स में ट्रेमलिंग तो होती है, साथ में सुन्न हो जाते हैं, नमनेस आ जाती है। तो अगर यह स्थिति हो तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है एमराग्रेसिया। आप एमराग्रेसिया 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं। या आपके हैंड्स की ट्रेमलिंग को भी ख़त्म करेगी और हैंड्स की नमनेस यानी सुनपन को भी ख़त्म करेगी। यदि साथियों आपको या मरीज को एसेंशियल ट्रेमर्स जो है आ रहे हों और आपका सर आगे पीछे हो रहा हो, मतलब हेड साइड साइड ना हो के आगे पीछे हो रहा हो, तो उस स्थिति के एसेंशियल ट्रेमर्स को ठीक करने की हेड के जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट हो रहा हो हेड का, बहुत कारगर दवा है सीपिया। आप सीपिया 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं। यह दवा आपके एसेंशियल ट्रेमर्स को हेड के ख़त्म करेगी और उसका जो फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट हो रहा है उसको कंट्रोल करेगी और आपको स्वास्थ्य लाभ एसेंशियल ट्रेमर्स के केस में देगी। एक स्थिति साथियों आती है एसेंशियल ट्रेमर्स में कि आपके हाथ में ट्रेमलिंग हो रही है और पैर में भारीपन लग रहा है। तो अगर यह स्थिति हो कि आपको पैरों में हैवीनेस भारीपन लग रहा हो और आपके एसेंशियल ट्रेमर्स हों, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है लेथायरस सटाइवस। आप लेथायरस 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं। यह दवा आपकी ट्रेमलिंग को रोकेगी, आपके पैर के भारीपन को ख़त्म करेगी और आपके एसेंशियल ट्रेमर्स को ठीक करेगी। यदि साथियों आपको एसेंशियल ट्रेमर्स हैं और आपकी वॉइस शेकी हो रही है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है एसेंशियल ट्रेमर्स को, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में तीन कारगर दवाएं हैं। पहली दवा है लैक एसिड, दूसरी दवा है मर्क सोल्युबिलिस और तीसरी दवा है नक्स मोस्काटा।
लाइक ऐसे आप उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपके एसेंशियल ट्रेमर्स हों, आपकी वॉइस शेकी हो रही हो और आपकी ज़ुबान काँप रही हो, वहाँ बार बार दांत के बीच में आ जाती हो, टीथ के बीच में आ जाती हो और कट जाती हो। अगर यह स्थिति हो तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है लैकेसिस। लैकेसिस के मरीज को साथियों रात में सोने के बाद तकलीफें बढ़ती हैं, उसको बोलने की बहुत आदत होती है और उसकी वेंस में ब्लूनेस नीलापन होता है। दूसरी दवा है साथियों मर्सोल। मर्सोल उस स्थिति में बहुत कारगर दवा है जब आपके एसेंशियल ट्रेमर्स हो, आपकी वॉइस शेकी हो रही हो और आपके मुंह में बहुत ज़्यादा सलाइवा आ रहा हो, बहुत ज़्यादा थूक आ रहा हो, उस स्थिति की दवा है मर्सोल। और तीसरी दवा है एसेंशियल ट्रेमर्स की जब आपकी वॉइस शेकी हो, नक्स मॉस्काटा। नक्स मॉस उस स्थिति में बहुत कारगर है जब आपकी टंग बहुत ड्राई हो गई और उसमें सुन्नपन महसूस हो रहा हो, तो ये उस स्थिति में आपको लाभ देके आपकी वॉइस को ठीक करने में यह तीनों दवाएं लैकेसिस उस स्थिति में जब आपके जुबान दांत के बीच में आ रही हो, नक्स मॉस उस स्थिति में जब आपकी टंग बहुत ड्राई हो और मर्सोल उस स्थिति में जब आपके सलाइवा बहुत बन रहा हो, यह तीनों दवाएं आपकी शेकी वॉइस को एसेंशियल ट्रेमर्स के केस में कम करने के लिए बहुत कारगर है। एक स्थिति आती है साथियों आपके हार्ट में आपको ट्रेमलिंग महसूस हो रही हो और आपकी टंग में हो, तो अगर आपको हार्ट और टंग में ट्रेमलिंग महसूस हो रही है तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है एब्सिंथियम। आप एब्सिंथियम 30 पाव में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं, या आपके हार्ट की ट्रेमलिंग और पैल्पिटेशन को नॉर्मल करेगी और आपकी टंग की ट्रेमलिंग को भी रोकेगी। एक स्थिति साथियों आती है एसेंशियल ट्रेमर्स में कि आपकी मेमोरी बिल्कुल इम्पायर्ड हो गई हो, दिमाग काम ना कर रहा हो, याददाश्त खत्म हो गई हो और आपके एसेंशियल ट्रेमर्स हो। अगर यह स्थिति है साथियों तो इस स्थिति से निपटने की बहुत अच्छी दवा है आर्जेंटम नाइट्रिकम। आप आर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं। यह दवा आपको एसेंशियल ट्रेमर्स की समस्या से भी निकालेगी और आपका ब्रेन का जो एम्पावरमेंट और नर्वसनेस है उसको भी खत्म करेगी। ये कुछ दवाएं थी साथियों एसेंशियल ट्रेमर्स के विषय में। दवाएं निश्चित रूप से बहुत कारगर हैं, लेकिन हम आपसे निवेदन करेंगे बिना कुशल चिकित्सक से पूछे कोई दवा ना लीजिएगा। आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपकी बात का संतोषजनक जवाब दे सकें। वीडियो साथियों अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर और अपने चैनल को आपने सब्सक्राइब करा होगा अन्य साथियों से सब्सक्राइब कराइएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे बेहतर हमारे वीडियो को प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इस कार्यक्रम में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।